नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मून इन सिक्स हाउस फॉर पाइसेस असेंडेंट कि चंद्रमा अगर हमारे छठे हाउस के अंदर है और मीन लग्न की कुंडली है तो क्या असर डालता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं और इसको हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि मून अगर लियो में है तो क्या हमारे जीवन में असर डालता है और सिक्स हाउस के अंदर। देखिए, हमें समझने की जरूरत है मून के बारे में। ये जो पूरी एस्ट्रोलॉजी है ना, इसका जो मेन प्लैनेट है वो मून है। हम बहुत सारे प्लैनेट देखते हैं कि बड़े प्लैनेट कौन से हैं, क्रूर प्लैनेट कौन से हैं, राहु है, केतु है, मगर मेन चीज मून, मून की चाल पे डिपेंड है। आप गोचर ले लीजिए, आप ट्रांजिट ले लीजिए, सब मून की चाल के ऊपर डिपेंड है। मून किस नक्षत्र में है तो वो कुंडली मिलान उसके हिसाब से होता है। मून किस जगह बैठा हुआ है, किस राशि में है, उसके हिसाब से हमारा नामकरण होते हैं। तो मून को बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है। मून अपने जो चाल है वो 2.5 दिन के अंदर बदलता रहता है अपनी जो राशि है। मून बहुत फ्रीक्वेंट है मगर मून पे काफ़ी रिजल्ट्स डिपेंड होते हैं। जैसे मून की फ्लक्चुएशन होती हैं, वैसे अगर मून के ऊपर डिपेंड है तो हर चीज़ फ्लक्चुएशन उस हिसाब से होगी। तभी तो जो कर्क की कर्क राशि होती है, कर्क राशि के जो कर्क लगन के जो लोग होते हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होते हैं। मून घटता बढ़ता रहता है, उस हिसाब से इन लोगों के भी मूड जो होते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह जो होते हैं, वो मूड स्विंग्स जो कहा जाता है ना, वो मूड के अंदर जो मुंह होता है वो मून का ही मुंह होता है। तो कहने का मतलब मूड स्विंग्स की जो मेन वजह ही मून है। तो ये बॉटम लाइन आपको समझने की जरूरत है। तो इसी वीडियो में हम बात करते हैं कि सिक्स हाउस में मून होगा तो क्या असर डालेगा, राइट। उसके बाद वो सिनेरियो मेन कि वो किस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ, मून सिक्स हाउस के अंदर है तो ये ब्रेकअप्स करवाएगा। मेन इसकी जो इस वीडियो की जो कैटेगरी होगी वो लव और ब्रेकअप्स के ऊपर ही होगी कि लव ब्रेकअप्स की वजह क्या होगी, लव ब्रेकअप्स की वजह क्या होगी कि मेन लव ब्रेकअप्स के तो कई वजह होती हैं, लव ब्रेकअप्स की वजह क्या होगी वो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। जैसे मैंने बताया कि मून मून फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, सिक्स में बैठा है, कर्क राशि का लॉर्ड होता है। अब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा है तो ये ब्रेकअप्स के चांसेस इसके बनते हैं। अब ये कनेक्शन देखना कितना स्ट्रांग है, लव कितना स्ट्रांग है, कितने डिग्री का है। लव जो होता है ना, आदमी का कई बार सिंगल साइडेड लव होता है, वो किसी से प्यार करता है। तो अगर तो सिर्फ यही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कुंडली इस पर डिपेंड नहीं होती, कुंडली डिपेंड होती है कि आपका जो मून है वो किसके नक्षत्रों में बैठा है। नक्षत्र अपने हिसाब से प्लैनेट को घुमाते हैं, मेन रिजल्ट्स होते हैं नक्षत्र और उसके सब लॉर्ड के, नक्षत्र और उसके सब लॉर्ड के। तो मून ने ब्रेकअप करवाना है। अब वो सिंगल साइडेड लव का भी ब्रेकअप हो सकता है, आप किसी को चाहते हैं, आप किसी को लाइक करते हैं बड़े टाइम से, अब ये मून की दशा आई है तो आपका वो चाहत मर जाएगी, आपकी एफर्ट्स नहीं होंगे, हिम्मत नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर हिम्मत बढ़ेगी कैसे, अगर इसके साथ मंगल आता है तो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा इस वीडियो को ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ हों, मगर आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि भैया ब्रेकअप सिंगल साइडेड हो या कैसा भी ब्रेकअप हो, ब्रेकअप के चांसेस हैं आदमी का। अगर कोई नॉर्मल आदमी मेरे पास आता है और सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको बोलूँगा ब्रेकअप हुआ है उसका, तो वो कहेगा ब्रेकअप नहीं नहीं भाई साहब, मेरा तो प्यार ही नहीं किसी से हुआ। अब उसे बोलो आप दिल से किसी को चाहते थे, हाँ मगर कोई बात नहीं, इतना असर नहीं हुआ। तो वो इस तरीके से आदमी का बिहेवियर और नेचर हो जाता है, तो इसलिए चिंता वाली बात नहीं। अब कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, जब इसके नक्षत्र बदले जाएंगे। किसके नक्षत्र में चंद्रमा था जन्म के समय, जन्म के समय किस नक्षत्र में था। अब मान लीजिए हम इसको लेते हैं कि ये जो था शुक्र के नक्षत्र में, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इससे पता चलेगा कि ब्रेकअप किस तरह का होगा। अब आ गया वो शुक्र के नक्षत्र में, अगर वो आ गया शुक्र के नक्षत्र में तो शुक्र जो है वो तीसरे का भी लॉर्ड है, आठवें का भी लॉर्ड है, और चांस की बात हो शुक्र बैठ जाए बारहवें हाउस में। एक सिनेरियो ले रहे हैं, ठीक है, शुक्र बैठ गया बारहवें हाउस में, तो अब सिचुएशंस क्या होंगी। सबसे पहले उसका कम्युनिकेशन बिगड़ेगा, मतलब जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो लव रिलेशनशिप में, उसको समझा नहीं पाएगा, उसको बता नहीं पाएगा मैं कुछ कहना चाहता हूँ, या मैं जो कहेगा वो नेगेटिव जाएगा सामने वाले के लिए। वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसे एलिगेशंस या ऐसा वो लगेगा जो उसने नहीं किया होगा। जैसे किसी को बोल दो कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, उसने ना दिया हो बेचारा,
तो कितनी बार एक्सप्लेन, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वो उसको समझ नहीं आएगा मैं क्या करूँ। आधे रिलेशनशिप खराब ही कम्युनिकेशन गैप की वजह से होते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप के चांसेस इस कॉम्बिनेशन के अंदर बनेंगे कि अगर चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र के अंदर आता है, अगर वो शुक्र के नक्षत्र के अंदर आता है तो ये कम्युनिकेशन गैप बनने के चांसेस बनेंगे। कम्युनिकेशन गैप हुआ, अब जो ब्रेकअप होगा वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से होगा और काफी झगड़े वाला ब्रेकअप होगा, ये नई बात करनी, नया मतलब अच्छे खासा जो नाराजगी वाला ब्रेकअप होता है ना, वो आपको इस कॉम्बिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा, समझ रहे। अब अगर वो आ जाता है जुपिटर के नक्षत्र में, अगर वो जुपिटर के नक्षत्र में आता है तो फिर जो ब्रेकअप होगा वो काम को लेके होगा, ब्रेकअप होगा, झगड़े नहीं होंगे मगर काम को लेके होगा, उसका प्रोफेशन हाई हो जाएगा। जिस बंदे की कुंडली होगी, जिस जातक की कुंडली होगी, उसका प्रोफेशन हाई हो जाएगा, मतलब वो प्रोफेशन के ऊपर इतना फोकस हो जाएगा, चाहे जरूरत मान लो या सिचुएशंस मान लो, मून की दशा में उसका काम करने का मन, मतलब प्रोफेशनली उसको ज्यादा अच्छे चांसेस मिलेंगे, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, तो वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जाएगा, फिर ब्रेकअप हो जाएगा उसका। प्रोफेशनली ग्रोथ होना तो अच्छी बात है अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मगर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप कहोगे कि ये गलत हुआ, रिलेशनशिप खराब हो गया। ये सिचुएशन बनेगी जुपिटर के नक्षत्र में आने से। अब ये सिचुएशन और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, कैसे? मान लीजिए ये वीनस के नक्षत्र में आ जाए और जुपिटर उसके सब लॉर्ड हो जाए, या जुपिटर के नक्षत्र में आ जाए और वीनस सब लॉर्ड हो जाए, मतलब इस तरह की सिचुएशंस बनेंगी, तो इस तरह से आदमी की लाइफ के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। सिंपल, मून सिक्स हाउस के अंदर इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, मून सिक्स हाउस के अंदर पाइसेस असेंडेंट, ये थोड़ी सी ऊपर इंफॉर्मेशन है मगर फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। एग्जैक्ट नक्षत्र सब लॉर्ड पता है तो कंप्लीट प्रेडिक्शन। तो ये प्रेडिक्शन के कुछ रूल्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, सिर्फ एक लाइन के ऊपर प्रिडिक्शन करना इनकम्प्लीट होगा। हाँ, उसी प्रिडिक्शन को जैसे जैसे हमारे को और इंफॉर्मेशन मिलती जाती है वो प्रिडिक्शन और स्ट्रांग होती जाती है। अंतरे क्या मिल रहे हैं, ट्रांजिट क्या आ रहा है, किस तरह का ट्रांजिट आ रहा है, कौन से एस्पेक्ट आ रहे हैं। अब मून पे एस्पेक्ट किस चीज का है, मान लीजिए राहु साथ बैठ गए, ये राहु का एस्पेक्ट आ गया है, तो अब वो प्रोफेशनली मान लो उस हाई हो गया, फैशन उसका अच्छा चल रहा है, मगर मून की दृष्टि या मून का, मून की एस्पेक्ट या मून की साथ में कंजंक्शन बन जाता है, तो अब वो दोनों तरफ फंसा रहेगा। अब उसका मतलब तोड़ने का भी दिल नहीं करेगा और डिप्रेशन एक अलग आया होगा, डिप्रेशन नहीं सॉरी कंफ्यूजन, मैं किस तरफ जाऊं, मतलब दो ऑप्शन आ गए। आदमी जिंदगी में मरता दो ऑप्शन से, सिंगल ऑप्शन कोई चाह रहा ना हो तो बड़ा खुश रहता है। पहले लोगों के माँ बाप साथ रहते थे, एक वाइफ होती थी तो वाइफ के साथ ही उसको समाज का एक डर होता था, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करता था तो बहुत सोच के करता था, बहुत छुपा के करता था, माँ बाप का डर, बच्चों का डर, समाज का डर, तो वो एक के साथ उसके पास चारा नहीं था, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं थी, तो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी निकाल देता था। नाउ ऑप्शंस अवेलेबल है, पहले एक टीवी आता था, एक टीवी आराम से आदमी देखता था, एक ही चैनल देखता था, बड़ा खुश रहता था, सब कुछ होता। आज कई बार इतनी ऑप्शंस होती हैं, मैं आपको पर्सनली अपनी बात भी बताऊंगा। एक टाइम था नेटफ्लिक्स देखते यार बड़ा कॉस्टली पड़ता है, लें ना लें, एक्सपेंडिचर है बेकार का। अब नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और इतनी वेब सीरीज आती हैं कि आप कंफ्यूज रहता है आदमी कौन सी देखे। कई बार आधा आधा घंटा तो मुझे सर्च करने में निकल जाता है कि कौन सी वाली देखूँ, उसके बाद टाइम हो जाता है, नींद आई थी, काम भी ऐसा है थकावट वाला कि ऑटोमेटिकली मैं भी फैसला नहीं कर पाता। तो ऑप्शन जरूरत से ज़्यादा परेशान करती है, जरूरत से ज़्यादा ऑप्शन परेशान करती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप, शायद मैं टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो गया हूँ, मैं जो कहना चाहता था आपको कि मून सिक्स हाउस के अंदर होगा प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग होगा, प्रोफेशनली ग्रोथ अच्छी है मगर रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जैसे ऐसे नक्षत्र चेंज। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी, और आपसे जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ है।